जब समय आता है, मोस्टली क्रिश्चियन क्या करते हैं, अच्छा मैं इंजीनियर हूं तो मुझे लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, ये राइट मापदंड नहीं। मैं नहीं कहता आप बिल्कुल अंगूठा छाप ले लो, मैं नहीं कहता, हो सकता है कि आपके लिए अंगूठा छाप बेस्ट हो, लेकिन आपको क्या दिखना है पहले। दोस्तों बाइबल में परमेश्वर ने शादी करने के लिए कई वचन दिए हुए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन बात यह आती है कि शादी करें तो किससे करें, ऐसा हमारे मन में ख्याल आता है, हम कंफ्यूज होते हैं। पर जो नए विश्वासी आते हैं वो किस रीति से अपनी पत्नी को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी राइट मैरिज को ले सकते हैं। दोस्तों परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नोला जी ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ब्लेस्ड मैरिज के लिए, तो आपको किस रीति से परमेश्वर में बढ़ना है और किस रीति से अपनी वाइफ के लिए, अपनी मैरिज के लिए प्रेयर करनी है, इस वीडियो में आप जानेंगे परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नोला जी के द्वारा। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और एक एक चीज़ को फॉलो करना, तब परमेश्वर आपको भी ब्लेस्ड मैरिज के साथ ब्लेस करेंगे, ये हमारा विश्वास है। आइए वीडियो को देखते हैं, वीडियो में क्या है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो जब मैं मसीह में आया मैं 19 साल का था, लेकिन इतने साल मैंने मैरिज नहीं की, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई पंगा नहीं, मुझे मालूम था परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में काम कर रहा है। और जब मेरी एज 29 हुई तो परमेश्वर ने कहा था कि अब मैरिज करने का समय, जबकि मुझे उस समय लगता था कि मैं मैरिज करूंगा तो स्पिरिचुअली मुझे फर्क ना पड़े, तो प्रभु ने कहा नहीं, अगर तू मैरिज करेगा बल्कि तू और ग्रो होगा। तो तब मैंने मैरिज की। आज लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्या है यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैंने मैरिज की तो कैसे की, मैंने जब मुझे मैसेज आया कि मुझे मैरिज करनी है, प्रभु चाहता है मैं मैरिड हो जाऊं, मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने टीम मेंबर को बुलाया, मैंने कहा मुझे लड़कियों की फोटोज चाहिए, मैंने शादी करनी है। कहते जी ठीक है जी, मैं लेके आना। दो तीन दिन उसने लगाए, फोटोज मेरी टेबल पर रखी, उनमें से मैंने फोटो सिलेक्ट की, मैंने कहा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आज लोग कैसे शादी करते हैं, जब चर्च में मैरिज ब्यूरो है लोग आगे बताएंगे मेरी कुड़ी की उम्र जी हैगी 31 साल ते मुंडा होवे घट्टो घट 35-32 साल का, डॉक्टर होवे, पैहा तेला होवे। ये सारी चीजें रॉन्ग हैं। इसीलिए बहुत से क्रिश्चियन यंग लड़के और लड़कियां अनमैरिड हैं, अपनी मूर्खता के कारण, परमेश्वर के कारण नहीं। क्यों, मैं बताता हूं शादी कैसे करनी, मेरा एक्सपीरियंस ले लो, और मेरी फर्स्ट क्लास मैरिज है। हालेलुया। मैं बताता हूं कैसे करते हैं मैरिज। सबसे पहले प्रार्थना, मैंने 10 साल प्रार्थना की है कि प्रभु मैं मैरिज कर हो तो बेस्ट हो, मेरी शादी मेरी लड़की तेरी ओर से हो, इधर उधर देखना कोई देखना नहीं, कोई आंख मटक्का नहीं, ये तो नहीं ये तो नहीं। बहुत सारे पास्टर्स पकड़ना चाहते थे मुझे, जो शारीरिक पास्टर होते, ये इसके साथ प्रभु का प्लान है। मैंने कहा अच्छा प्रभु का प्लान है, तो जब मैच्योर हुआ 1-2 साल का क्रिश्चियन बना तो मुझे लगा कोई प्रभु का प्लान नहीं, भाई साहब ये तुम्हारा प्लान है। तो समझ आई कि मुझे इस चीजों से दूर रहना है, दूर रह के मुझे परमेश्वर को खोजना है। जब समय आता है, मोस्टली क्रिश्चियन क्या करते हैं, अच्छा मैं इंजीनियर हूं तो मुझे लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, ये राइट मापदंड नहीं। मैं नहीं कहता आप बिल्कुल अंगूठा छाप ले लो, मैं नहीं कहता, हो सकता है कि आपके लिए अंगूठा छाप बेस्ट हो, लेकिन आपको क्या दिखना है पहले। आपको कभी नहीं देखना इसका फाइनेंशियल स्टेटस मेरे साथ मैच करता है कि नहीं, ये कास्ट मैच करती है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई मैच करती। आप कभी शादीशुदा नहीं हो पाओगे, शैतान काम करेगा आपकी लाइफ में अगर आप ऐसा करोगे तो। मुझे सेम मेरे कास्ट वाली चाहिए, मुझे सेम। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, प्रेयर। आपने प्रेयर कर ली 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, प्रभु जब भी मेरी शादी हो लड़की तेरी ओर से हो। वो 5 साल आपने पवित्रता में बिताए हैं, प्रार्थना में बिताए हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, व्यभिचार में नहीं गिरे। जब आपको मालूम है स्पिरिट में कि अब मुझे शादी करनी है, जस्ट मैरिज ब्यूरो में आओ और बोलो मुझे फोटोज दिखाओ। कभी मत कहो इसकी उम्र, इसकी ये पढ़ा कितना है, पढ़ी कितनी है, कुछ नहीं देखना। सबसे पहले ये देखना है कि आपको फिजिकली आंखों से देखकर वो बंदा या बंदी पसंद है कि नहीं।
अगर आपको वो पसंद है, आपकी आंखों को लग रहा है कि ठीक है ये सुंदर है, मैं मुझे पसंद है, फिर उसके बाद पसंद के तीन चार, जैसे वो रेहड़ी पे जाते हैं ना सेब उठाते हैं, सब अच्छे अच्छे सेब उठाते हैं, तो पहले चार पांच उठा लो अच्छे अच्छे रिश्ते, ये चार लड़के लड़की बोले ये चारों पसंद है उठा लो, ये तीन लड़कियां पसंद है उठा लो, तीनों फोटोज उठा लो, अब उनसे मिलो और जो स्पिरिचुअल लगे उसके साथ शादी कर लो बस। अगर तुम गए कास्ट, पैसा, पढ़ाई, कद, ये वो, भाई साहब तुम कंकाल बन जाओगे, शादी नहीं होगी, और तुम प्रभु की, प्रभु का सिर खाते रहोगे, और प्रभु भी कान बंद कर लेगा, यार बस कर यार, क्योंकि उसने हमें बुद्धि दी है। अब्राहम का नौकर जाके बोला इजहाक के पास, ये तेरी पत्नी है, कहता है ये मेरी पत्नी है, आमीन। क्यों? इतना स्पिरिचुअल आदमी है, उसे पता है कि खुदावंद मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। लेकिन अगर 10-10 बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रखी हुई हैं, तो भाई साहब पूरी चुड़ैल मिलेगी आपको, मैं गारंटी देता हूं, खून चूसने वाली। अगर और पूरी बैंड बजाने वाला हस्बैंड मिलेगा अगर तुम्हारा करेक्टर सही नहीं है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप सेटिस्फाइड नहीं रह सकते उस मैरिज में, जिस मैरिज से पहले आप टू मच करेक्टरलेस हैं। तो पहला रूल है प्रेयर, आपने इनफ प्रेयर कर ली है, प्रभु पे भरोसा रखा है, प्रभु इंतजाम करेगा। आपको लगता है कि अब मेरी शादी अब मुझे करनी है, मुझे 3-5 साल 10 साल हो गए प्रार्थना करते, फोटोज देखनी है जो आपको बेस्ट लगते हैं देखने में, आप ये नहीं कह सकते हाँ मैंने आत्मिक चाहिए है, कोई नहीं रंग जितना मर्जी हो आत्मिक चाहिए, मुड़ के ब्याह करा के दूजियां वाल देख दे रहना, ऐसा भी मत करना, क्योंकि तुम्हारी एक ही मैरिज होनी है, तो तुम्हारे को वो लड़की वो लड़का पसंद होना चाहिए सबसे पहली बात, ये जरूरी है। आपको पसंद आया, दैट्स इट, 2-3 पसंद करो, उनसे मिलो, बात करो, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में जो आपको स्पिरिचुअल लगता है, जो आपको लगता है कि ये आदमी स्पिरिचुअल है, और लगता है कि मैं इसको और स्पिरिचुअल कर दूंगी, या मैं इसको और स्पिरिचुअल कर दूंगा, सबमिसिव स्पिरिट का है, ठहराव वाला आदमी है, ठहराव वाली औरत है, अधीनगी वाले आदमी, अधीनगी वाली औरत है, हां कर दो, शादी कर लो, तुम ब्लेस हो। और अगर तुम सोचोगे कि तुम्हें पॉलिश किया हुआ डायमंड मिले, तो जो धरती से हीरा निकलता है वो डायमंड पॉलिश किया हुआ नहीं होता, वो कच्चा होता है। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि चीनी का बड़ा दाना है, चीनी का, चीनी होती है ना वाइट सी, तो आपको चीनी का दाना लगेगा वो, लेकिन उसको पॉलिश करके, उसको कट करके, उसकी कटाई करके, पॉलिश करके उसको डायमंड बनाया जाता है। मैरिज आपको हेवन से नहीं गिरती अच्छी, आप अच्छे से अच्छे के साथ मैरिज कर लें, अगर आप बेवकूफ हैं तो आप उसके साथ भी पंगा ले लेंगे। तो आपको वो मैरिज को पॉलिश करना पड़ता है, आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी होती है, प्रेयर रखनी होती है, और दूसरी बात, आप दोनों का टारगेट जीसस क्राइस्ट की अगर सेवा होगी, तो बहुत सारी लड़ाइयां झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपको सेवा करना है, आपको चर्च जाना है, आपको इकट्ठे मीटिंग में जाना है, आपको प्रेयर इकट्ठे बैठना है, तो बहुत सारी चीजें अवॉइड हो जाएंगी अपने आप। लेकिन अगर एक कपल का टारगेट जीसस क्राइस्ट नहीं है, तो वो कपल फिर पक्का प्रॉब्लम में रहेगा ही रहेगा, वो आदमी कभी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होता। मैंने क्रिश्चियंस देखे हैं अच्छी अच्छी पोजीशन के ऊपर, अपनी क्रिश्चियन लाइफ में अपनी वाइफ के साथ कभी सेटिस्फाइड नहीं, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने, परमेश्वर को कभी सेटिस्फाइड नहीं किया, तो उनकी वाइफ उनको कभी जो वो चाहते कभी नहीं होता, मेरे काम में मेरा साथ कभी नहीं होता, क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ अपना संबंध कायम नहीं किया। प्रभु कहता है जो तूने मुझमें बोया है वो तू धरती पर काटेगा। जब भी आपको रिश्ता देखना है, पहले देखना है आंखों से, पसंद है तो शुरुआत करनी है, फिर उस व्यक्ति को पसंद करना है जो स्पिरिचुअल है, बाकी सारी चीजें, अमीरी, गरीबी, स्टेटस, ऊपर नीचे, सब चीजें बेमायने की हैं। आप अगर आप दोनों आत्मिक हैं तो क्या आप पैसा पैदा नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में? अगर आप दोनों आत्मिक हैं तो क्या परमेश्वर आपको छोड़ देगा? आप दोनों अपने आप को देखो, आप एक दूसरे को पसंद हो और आत्मिक हो, उसके बाद तीसरी चीज मिलाने की कोशिश भी मत करो, नहीं तो आप बहक जाओगे अपने असली मुद्दे से। कई लड़कियां स्पिरिचुअल, हाई लेवल की एजुकेटेड,
कुंवारी बैठी, क्यों? उन्हें उतना ही पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, जो कि रॉन्ग है स्पिरिट में। हो सकता है परमेश्वर, अगर 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 सुनो मेरी बात, अगर मेरा स्वभाव और मेरी वाइफ का स्वभाव एक सा हो, हम इकट्ठे कैसे रह पाएंगे? दोनों का स्वभाव अलग होता है, ताकि बैलेंस बना रहे हमेशा। तो कभी मत कहो मुझे उतना ही पढ़ा लिखा चाहिए। कई बार आप देख लो, दोनों पढ़े लिखे हैं और दोनों छित्तर पनीर की रोटी के बिना सोते नहीं। दोनों छित्तर भी और बोलो और पनीर भी, पनीर भी बनता है घर में रोज, छित्तर भी बनते हैं रोज। तो उसको अवॉइड करो, स्पिरिचुअल बनो। आत्मा देखो क्या कहता है, स्पिरिट क्या कहती है आपको। स्पिरिचुअल लाइफ अगर आप जिएंगे, आप बड़ी चीजों से बच जाएंगे। आपने रिश्ता करना है, कभी अपने 10 रिश्तेदारों की सलाह मत लो, कभी लोगों की सलाह मत लो। स्पिरिट आपको क्या कहती है? मैं अपनी लाइफ में उस जगह पहुंच गया था स्पिरिचुअल लाइफ में, मैंने दोनों लड़कियों को देखा, मैंने कहा ये दोनों मुझे पसंद है। आप दोनों की बैकग्राउंड चेक करो, कौन करेक्टर वाइज गुड है, तो जो गुड है वो आपके सामने निकली। और जो गुड नहीं थी वो बेचारी रह गई, हालांकि वो फोटो नंबर 1 थी, और उसको नहीं मालूम, क्योंकि जब उसका करेक्टर मालूम किया गया, वो गिरी हुई थी अपने करेक्टर में, और उसे नहीं मालूम जब वो गिरी थी उसने क्या मिस किया होगा, उसको नहीं मालूम। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और जब मैंने देख लिया, मैंने पसंद कर लिया, मैंने पहले फोटो को पसंद किया, फिर मैंने बुलाया थर्सडे वाले दिन, जब ये आई मेरे सामने बैठी, मैंने मम्मी को बुलाया, मैं कहा मम्मी थोड़ी नूह आई, मिल लो। कहते ये क्या हो गया एकदम, मैं कहा हो गया बस। इमेजिन करो, कोई मीटिंग नहीं, कोई मीटिंग नहीं, इसकी फैमिली को बुलाया अगले दिन, मैं कहा आ जाओ। कहते की गल, मैं कहा तेरी कुड़ी दी सगाई है। कहते कितने नाल, मैं कहा मेरे नाल आ जाओ। अगले दिन पार्लर भेजा, तैयार किया, सगाई की, खत्म काम, तब से हम इकट्ठे हैं। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है। आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं, अपनी लाइफ को कभी कंपेयर मत करो। ले मेरे मासी दे मुंडे दा हो गया, ओ मेरे भरा दा मुंडा बाहर, नेवर। आपकी लाइफ, आपको रिस्क लेना होगा, आपको विश्वास के साथ चलना होगा। जैसे कि आपने इस वीडियो में सुना कि किस रीति के साथ परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यशुभ नरुला जी ने राइट मैरिज के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो हमारा विश्वास है यदि आप इस वीडियो को देख करके फॉलो करेंगे और इनको फॉलो करेंगे हर एक इंस्ट्रक्शंस को, तो परमेश्वर भी आपको भी एक ब्लेस्ड राइट पार्टनर के साथ ब्लेस करेंगे, और आप भी अपनी गवाही के साथ खामरा चर्च में गवाही देंगे, अपने लोगों की गवाही देंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इन न्यू वीडियोज को जरूर देखें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे इन वीडियोज के साथ।